वो भी साधारण लोगों की फौज है। दूसरी बात जो भारत स्वाभिमान की, जो मैं आप सबके सामने दिल खोलकर कहना चाहता हूं, वो ये, श्री राम ने अपने पूरे जीवन में वन में रहते हुए एक दो नहीं बीसियों राक्षस राजाओं का संहार किया और उनका राज्य छीना, लेकिन छीनने के बाद श्री राम ने उस राज्य पर अपना कोई प्रतिनिधि नहीं बैठाया। ये महत्व की बात है। आपको मालूम है सुग्रीव का जो वायदा था, श्री राम ने सुग्रीव से वायदा किया, वायदा करने के बाद उन्होंने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का वध किया, सुग्रीव को राजा बनाया। अगर चाहते तो श्री राम खुद बैठ सकते थे उस राज्य सिंहासन पर, क्योंकि जीता तो उन्होंने था। इसी तरह लंका में रावण का संहार करने के बाद, रावण का पूरा नाश करने के बाद, विभीषण के बार बार कहने पर भी एक ही बात श्री राम कह रहे हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण के कहने पर एक बात कह रहे हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मेरे लिए तो मेरी मातृभूमि ही सबसे बढ़कर है। ये रावण की सोने की लंका जो वैभवशाली है, समृद्धशाली है, संपत्तिशाली है, वो भी श्री राम को अपने आदर्श से डिगा नहीं पाई है। और श्री राम के सामने पूरी सोने की लंका प्रस्तुत है, लेकिन श्री राम ने रंच मात्र उस लंका का संपत्ति और समृद्धि अपने राज्य में लाने का प्रयास नहीं किया। वो ये चाहते तो कर सकते थे, लक्ष्मण को राजा बना के श्रीलंका में छोड़ देते अपने प्रतिनिधि के रूप में, वो भी नहीं किया। वैसा ही कुछ आदर्श स्वामी जी ने हम सबके सामने घोषित कर दिया। बार बार उन्होंने कहा है कि संपत्ति नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन संपत्ति और सिंहासन पर बैठे हुए जो रावण रूपी और कंस रूपी दानव हैं, राक्षस हैं, इनका संहार तो करना ही है, अपने लिए नहीं करना है, समाज के लिए करना है। आप जानते हैं हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है, इसमें बैठे हुए लोग मुझे किसी कंस से कम नजर नहीं आते और रावण से कम नजर नहीं आते। रावण बड़ा विद्वान था, बहुत सारे वेदों का ज्ञाता था, लेकिन आप बाकी सब बातों में, दुर्गुणों में भी पाएंगे कि वो उतना ही आगे था। ऐसे ही दुर्गुणों से जो दूसरों की मां बहन बेटियों पर ऐसी नजर डालते हैं जैसे रावण की नजर सीता पर पड़ी, और डालते ही नहीं है, अपनी वासना की पूर्ति के लिए उठाकर ले जाते हैं और तब तक उसको मजबूर करते हैं जब तक वो शरणागति स्वीकार न करे। क्या आप नहीं मानते हमारे देश में ऐसे रावण सत्ता शीर्षों पर बैठे हुए हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कई राज्यों में गृह मंत्री बने हुए हैं, कई राज्यों में वित्त मंत्री बने हुए हैं, जिनके ऊपर पुलिस के थानों में इस तरह के केस मौजूद हैं कि उन्होंने बलात्कार करने के लिए किसी की मां बहन बेटी को उनके घर से उठाया और अपने बिस्तर पर अंक शाइनी बनाया, और उसके बाद उन्होंने वो सब किया जो शायद रावण भी नहीं कर पाया सीता के साथ। तो हमारे यहां तो रावणों से भी 10 बड़े रावण सत्ता व्यवस्था में शीर्ष पर बैठे हुए हैं, लेकिन परम पूजनीय स्वामी जी की घोषणा है कि जहां वो बैठे हुए हैं वहां स्वामी जी को नहीं बैठना है, जहां वो बैठे हुए हैं वो सिंहासन स्वामी जी की चाहना नहीं है, जहां वो बैठे हुए हैं वो सिंहासन हमारा उद्देश्य नहीं है, जहां वो बैठे हुए हैं उस व्यवस्था पर हम जाकर बैठ जाएं, ये हमारा आदर्श और उद्देश्य नहीं है। हमारा आदर्श और उद्देश्य ये है कि रावणों को सिंहासन से उतारना, कंसों को सिंहासन से उतारना, और फिर ज्यादा चरित्रवान और ज्यादा बेहतर लोगों को उन सिंहासनों पर बिठाना और उनकी स्थापना कराना, ये भारत स्वाभिमान का घोषित उद्देश्य है। अब ये घोषित उद्देश्य जब सबके सामने स्पष्ट हो गया है तो मुझे लगता है कि श्री राम का आदर्श ही है जो हमारे भारत स्वाभिमान की तरफ से होने जा रहा है। श्री राम ने और एक आदर्श स्थापित किया जिसके लिए स्वामी जी बार बार आपसे और मुझसे बात करते रहते हैं अपने व्याख्यानों में, सवेरे के व्याख्यानों में मैंने ज्यादा सुना है उनका ये वाक्य। श्री राम का कुल देखिए, उनके कुल में जरा नजर डालिए, उनके पिता दशरथ 3 पत्नियों के पति दशरथ। दशरथ से पहले राम के कुल पर नजर डालिए तो किसी के पास 2 या 3 से कम पत्नियां नहीं, किसी के भी पास। अब उनके पूरे कुल पर जब खानदान पर नजर मैं डालता हूं तो हर एक के पास 2, 3, 4 पत्नियां। राम जी ने पहला आदर्श स्थापित किया, एक पत्नी व्रत। और स्वामी जी बार बार इस मंच से ये बोलते हैं कि भाई
पति पत्नी हो गए हो तो एक दूसरे के लिए समर्पित रहो, फिर इधर उधर नजर फैलाने की जरूरत क्या है। ये अलग अलग तरीके से वो हमको बताते रहते हैं और अलग अलग तरीके से समझाते रहते हैं, वासना में क्यों फंसना है, कामना में क्यों जाना है। ये आदर्श तो श्री राम के समय से शुरू हुआ है। श्री राम के पहले के सभी राजाओं के बारे में जब मैंने जानकारियां निकाली तो किसी के पास भी एक से ज्यादा पत्नियां हैं। श्री राम के समय से शुरू हो रहा है एक पत्नी व्रत, और एक पत्नी व्रत उस स्थिति में भी निभा रहे हैं जब सालों साल उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है। सालों साल उनकी पत्नी उनके साथ नहीं, वो रावण की कैद में है, सालों साल रावण की कैद में है। श्री राम के सामने आप क्या सोचते हैं, प्रलोभन नहीं आया होगा? चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र, उनके सामने दूसरी शादी का प्रस्ताव नहीं आया होगा? बहुत आया होगा। दूसरी पत्नी ले लें क्या ये उनके सामने नहीं आया होगा? बहुत आया होगा। तो दूसरी पत्नी लेने के लिए रास्ते भी खुले हैं, प्रस्ताव भी जरूर आए होंगे, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट का बेटा बिना पत्नी के हो तो बहुत सारे राजा तो तैयार हैं अपनी अपनी बेटियों को देने के लिए। लेकिन श्री राम ने वो आदर्श अंतिम समय तक निभाया है कि पत्नी साथ में नहीं है तो बिना पत्नी के रहेंगे, वियोग सहेंगे, लेकिन दूसरा विवाह नहीं करना है, दूसरी पत्नी को नहीं लाना है। ये आदर्श ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया है और इसलिए हम उनके सामने झुकते हैं और अपना शीश नवाते। तो ये जो आदर्श वो हमारे यहां छोड़कर चले गए, स्थापित करके चले गए, ऐसे ही कुछ आदर्श भारत स्वाभिमान की तरफ से भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, सभ्यता को ध्यान में रखते हुए स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार आपके दिमाग में ये बातें डाली जा रही हैं ताकि आपके संस्कारों में आ जाएं और फिर आपके आचरण में आ जाएं, और आचरण के बाद फिर दूसरे देखकर कहें देखो ये भारत स्वाभिमान का स्वयं सेवक है और ये उन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा है जिन आदर्शों का पालन करते हुए हमारे महापुरुष यहां से अपना जीवन बिता के चले गए। तो अपने महापुरुषों के जीवन के आदर्श और अपने शहीदों के सपने, इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है ये भारत स्वाभिमान। तो महापुरुषों के आदर्श की तरफ बढ़ता हुआ और शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ता हुआ भारत स्वाभिमान, हम सब इसके सैनिक हैं। हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी हैं, तो सेनापति के आदेशों का पालन करते हुए हम सब सैनिकों को वो सब करना है जो श्री राम की सेना में रहे हुए छोटी छोटी गिलहरी ने किया, छोटे छोटे बानरों ने, किन्नरों ने, भीलों ने, गोंडों ने, किरातों ने किया, वैसा ही कुछ काम हमें करना है। राम जी आदेश दे रहे हैं, बाकी सैनिक उनका पालन कर रहे हैं, तो इस भारत स्वाभिमान की सेना के सेनापति हमको आदेश दे रहे हैं और हम सब उनका पालन कर रहे हैं। इस आदर्श को अपने जीवन में उतार कर हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर भगवान हमको मदद करेंगे, हमको सफलता मिलेगी, हमारे जीवन की सार्थकता होगी और शायद मरते समय, इस दुनिया को छोड़ते समय हम इसी गर्व की अनुभूति से भरे हुए होंगे कि हमने अपने जीवन का जो भी समय था वो भारत स्वाभिमान में लगाकर उन आदर्शों के लिए और उन सपनों के लिए समर्पित किया है जिनके लिए कभी शहीद हमारे प्रयास करते रहे और महापुरुष यहां से करते चले गए। इतना बोलकर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और परम पूजनीय स्वामी जी को भाव से प्रणाम करता हूँ।